बांदा जिला तहसील बबेरू ब्लॉक कमासिन निवासी एवं एबीपी भारत न्यूज चैनल के बांदा जिला ब्यूरो चीफ राधेश्याम गुप्ता, अमलोखर के अशोक कुमार तिवारी, शक्ति सिंह, अनिल सोनी, वीरेंद्र सोनी आदि ने हमारे एबीपी भारत न्यूज चैनल उत्तर प्रदेश के गीत कमलदास बापू जी को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब से कमासिन थाना के कर्मठी मानदार तत्कालीन थानाध्यक्ष विनोद यादव का ट्रांसफर किया गया है और उनकी जगह पर राम आश्रय को कमासिन थाना का थानाध्यक्ष बनाकर भेजा है, तब से आए दिन कोई ना कोई अपनी घटनाएं घटित हो रही हैं जिसके कारण कमासिन थाना क्षेत्र की जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगी है। क्षेत्रीय जनता का कहना है कि थाना अध्यक्ष राम आश्रय के कमासिन थाना का चार्ज संभालते ही कमासिन थाने के पास ही जब दिनदहाड़े 19 अक्टूबर 2020 को दोपहर में अनिल सोनी की 7-8 लाख की चोरी हो गई, दूसरी घटना थाने के पास ही दिनदहाड़े पिंटू गुप्ता की दुकान से पैसों का गल्ला लेकर के चोर भाग गए तो हम लोगों का क्या होगा, और अनिल सोनी की चोरी करने वाले चोरों को थानाध्यक्ष कमासिन रामाश्रय ने स्थानीय जनता के विरोध के कारण पकड़ लिया लेकिन 3 दिन तक थाने में बैठाए रखा और लंबी रकम लेकर रात को उन चोरों को भगा दिया गया। ये खबर फैलते ही कमासिन की जनता में भारी जन आक्रोश व्याप्त हो गया है। कमासिन की जनता पुलिस अधीक्षक सिद्धांत मीना से मांग करती है कि दोनों चोरियों के चोरों को पकड़ने के लिए कुछ दिनों के लिए तत्कालीन कमासिन थानाध्यक्ष विनोद यादव को भेजा जाए जिससे दोनों चोरियों का खुलासा हो सके और कमासिन थाना पुलिस के प्रति कमासिन की जनता में व्याप्त भारी जन आक्रोश को शांत किया जा सके, क्योंकि रामाश्रय के बस की बात नहीं है चोरों को पकड़न। आपने तारीख लिख के दिया? उन्होंने ये कहा कि आपको किस पे शंका है, रिपोर्ट में आपने किसी का नाम लिखाया था कि अज्ञात? अज्ञात नहीं लिखा है, अज्ञात नहीं लिखा है। फिर किसी को पकड़ के लाए? ये पकड़ के लाए और किसको किसको पकड़ के लाए थे? कहाँ गए प्रेम सागर यादव? क्या नाम है इनके पिताजी का? लालू प्रसाद यादव। हाँ, और किसको लाए थे पकड़ के? और बिना के भतीजे हैं तो उनको भी पकड़ के लाए। फिर क्या हुआ? सर जी सर ने जब केस पार्टी सामने करता हुआ तो सर जी सर ने कहा समय चाहिए, फिर एकांत में हमको कमरे में दिलवा गए, दिलवाने के बाद कहा कि चोरों को नाम नहीं बताते, तो हमने कहा कि नहीं, रेवती सर रेवती महाराज ने कहा कि नहीं चोरों को नाम न बताइए आप। रेवती महाराज कौन है? क्या है भाजपा के नेता? क्या है भाजपा में? ये आप ले गए थे कि अपने मन से पहले से मौजूद थे? 20-25 आदमी को हमने इकट्ठे ले गए। हाँ, त्रिवती रमन जी ने क्या कहा? त्रिवती रमन जी को और हमको और कल्लू बनिया को विवाह करके चारों पांचों आदमी को इकट्ठा करके कमरे के अंदर हमसे कहा कि कहिएगा तो चोरों का नाम बता दे, तो हमने त्रिवती रमन जी ने कहा कि चोरों का नाम न बताइए, आप चोरी का खुलासा कीजिए। इसके बाद कहा कि 3 दिन का समय दीजिए और 3 दिन में हम चोरी का खुलासा करें। अभी कितने दिन हो गया? आज कितने बार मिल चुके हो अपने संबंध में? इसके बाद जैसे जाके हम कितनी बार मिल चुके हो? दिन में 4 बार। जैसे हमने बाहर आए तैसे तत्काल देखा कि चोरों को दो चोरों को पकड़ के ले आए, उसी दिन चोरों को पकड़ के ले आए। जैसे हमसे बता रहे थे नाम बताओ, कौन कौन चोरों को पकड़ के ले आए? उनका नाम तो पता नहीं है लेकिन वो बिना के प्रेम सागर यादव करते हैं और मेरे गांव का छिहोला का जो प्रेम सागर यादव उसको भी पकड़ना है। और उसके बाद क्रिमिनल बंद किए थे, एक यहाँ पर हमारा पूछा भी नहीं है ना उनसे पूछा है। उसके बाद 9 बजे 11 बजे अभी कितने दिन हो गया? आज से 27-28 दिन। कई बार मिल चुके हो इस संबंध में? क्या कह देते हैं आपका क्या नाम है? आपके कौन लगते हैं अनिल? ये मेरा छोटा भाई है। जो ये कह रहे हैं सही है? बिल्कुल सत्य बात। दरोगा जी से कितने बार मिले हैं? बस यही कहते हैं कि 2-3 दिन का समय दीजिए खुलासा करें, 2-3 दिन का समय दीजिए खुलासा करें। तो दादा किसी के दबाव में है क्या? सच्चे तो जानकारी नहीं कि किसी के दबाव में है, कैसा क्या। आपको विश्वास है कि खोलेंगे चोरी की? नहीं, हमें विश्वास नहीं। आपका क्या नाम है? अशोक कुमार तिवारी। आप क्या कहना चाहते हैं अनिल सोनी के? अनिल सोनी जो कह रहा है वो सत्य बात है। मुलजिमों को पकड़ा उसी दिन, पकड़ा जिस दिन धरना प्रदर्शन करने के प्रयोग कर रहे थे उसी दिन। कहा कि कहो तो मैं नाम बता दूं, तो मुलजिम तत्काल पकड़ के ले आए, 2 दिन बैठाए, उनसे पूछा था भी नहीं।
12 बजे रात को मुझे बुला रहे हैं कि तिवारी हम छोड़ दें। आप कहाँ के रहने वाले? मैं कमासिन का रहने वाला। नहीं, कौन सा गांव है आपका? गांव तो प्रॉपर माने पुराना अमलोकर है, हाल मुकाम कमासिन। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार तिवारी। तिवारी, अच्छा। आपके भाई प्रधान भी है ना? जी हाँ। फिर क्या हुआ? तब इन्होंने कहा कि नहीं छोड़ देंगे, 3 दिन बाद फिर इनको पकड़ेंगे। यही अशोक? हाँ, राम आश्रय कमासिन। कमासिन, हाँ। फिर 3 दिन बाद का 24 दिन हो गए ना उसको पकड़ रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि सर वही है, 110% चोरी उसी ने किया। क्यों नहीं पकड़ रहे? क्या दबाव में है? क्या दबाव में? तो छोड़ा ही, चाहे जिसके दबाव में छोड़ा हो। तो इसके बाद भी तो आप मिल चुके हैं कई बार मैंने क्या कह देते हैं हर बार? बस दो दिन तीन। अच्छा, और बस टाइम लेते हैं बार बार? और सर यसाई करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके दबाव में करने का। क्या नाम है आपका? भाजपा में हो? मैं कहीं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? कमासिन। क्या है अनिल सिंह की चोरी के बारे में? अनिल की चोरी के बारे में तो ये लोग बता रहे हैं, बस यही कार्रवाई हो रही है, उसके आगे कोई कार्रवाई बढ़ ही नहीं रही है। ना थानाध्यक्ष महोदय कुछ कह रहे हैं, ना कोई। आप भी मिले हो इनसे? जा करके कहे हो इस संबंध में? नहीं, हम तो अभी नहीं गए हैं, इनके साथ में नहीं गए हैं। जिस दिन चोरी हुई है उस दिन थे, उस दिन गए हैं थाना। कितने लोग थे साथ में? उस दिन हम थे और अशोक महाराज थे और अनिल भाई थे, दीपेश कुमार सोनी थे और वीरेन भैया थे। कमासिन यीशु राम बाबा दबाव को ले जरूरत है। दबाव में है क्या किसी के? ये दबाव में है कि क्या है कैसे है कोई पता भी नहीं चल रहा, काहे में है। अब दबाव में है या काहे में है, चोरी का खुलासा करें। कितनी भी चोरियां यहाँ होती हैं, लेकिन कोई भी चोरी से आए, बहुत चोरी हो चुकी। क्या कोई गल्ला वल्ला लेके भगा था क्या? हाँ, वो पैसा लेके उसका। क्या नाम है उसका? उसका नाम पिंटू। पिंटू नाम है उसका, गुप्ता है। उसका भी गुल्लक लेके चले गए। अच्छा। उसमें भी कोई आज तक खुलासा नहीं हुआ। अच्छा, वो पिंटू गुप्ता जी क्या कांड है? कुछ तुम्हारी चोरी की, तुम्हारी चोरी के बाद पिंटू गुप्ता का कांड हुआ? हमारी चोरी में एक हफ्ते बाद गल्ले की दुकान करता है, उरन रोड गल्ला खरीद का काम। हाँ हाँ। पिंटू उसका नाम है, उसके पिताजी का बात नाम गुप्ता है। दिन दहाड़े 11 बजे रात के दो बाइक में आए दो लोग, 11 बजे दिन, 11 बजे दिन में, और गुल्लक उठा के गाड़ी में बैठ के पूरन रोड तरफ भाग गए। उन्होंने काफ़ी दूर पीछा भी किया, लेकिन इतनी तेज गाड़ी को बताया, तुरंत सूचना दी गई। नामजद रिपोर्ट है? नहीं, नामजद लिखवा रहे थे लेकिन लिखा नहीं गया नामजद भाई। एक हफ्ता से ज़्यादा हो गया? एक हफ्ता हो गया उनका। उसमें क्या हुआ? वो लोग बता भी रहे हैं कि वहाँ का जो है इंगुआ का विश्वकर्मा है हमारा गुल्लक लेकर। मासिक में कौन इंचार्ज है? श्री राम आश्रय सिंह। कुछ नहीं कर रहे? कुछ नहीं कर रहे सर। क्या तुम्हारे बारे में कुछ कर रहे हैं? जी नहीं। आइए जानते हैं, यहाँ ABP भारत न्यूज चैनल के जिला ब्यूरो चीफ हैं हमारे बनाए हुए राधे श्याम गुप्ता जी से, ये कि चूंकि यहाँ के रहने वाले हैं, यशो के बारे में बताएंगे। क्या नाम है आपका? राधे श्याम गुप्ता नाम है मेरा। हाँ। और जिला चीफ ब्यूरो हूँ ABP भारत न्यूज चैनल का। नाम किन दे? क्या है यशो, कैसा है ये? यशो मानिकपुर। ये जब से यहाँ पर आए हुए हैं तब से यहाँ से घटनाएं घटती चली आ रही। नहीं संभल रहा क्या इनसे? ये इनसे संभल नहीं पा रहा, साथ ही साथ इनके स्टाफ में भी कुछ नहीं है, स्टाफ को नहीं कुछ कर पा रहे हैं, संतुलन कर पा रहे हैं।